हकीकत बात है व्यूवर्स, बहुत बड़े माशाल्लाह दिल के मालिक हैं अकबर भाई, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। ऐसा इंसान हमने हकीकत बात खुश रखे। आज आपसे मेहमानों को लाया हुआ गिफ्ट शेयर करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, से हम सब ठीक है। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, ढेर सारी खुशियां दे। जो हमारे नए व्यूवर्स आए हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। हमारे पुराने व्यूवर्स के लिए भी ढेर सारी दुआएँ, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। जी प्यारे व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। रात को अब्दुलरहमान ने फ्रिज बंद कर दी थी, तो सालन इतना बड़ा ढोंगा वाइट लोबिए की, इतना बड़ा डोंगा वाइट लोबिया वो हमने कल खाना था, फिर मेहमान माशाल्लाह से आए तो इस वजह से हमने वो कल नहीं था खाया। जिधर मज़े मज़े खाने जिस दिन पके हो फिर लोबिया कौन खाता है। वो मैंने फ्रिज में रख दिया था, मैंने कहा था भाई आज हमने खाना है, तो वो नहीं खा सके। तो आटा भी खमीरा हो गया है, ये देखे है। अब ये तवे पर तो नहीं पक सकती, अब इसका यही हाल है। मैं तंदूर से इसकी रोटियां लगवा लेंगे, थोड़ा सा और भी पड़ा हुआ है। तो जो हमारे कोफ्तों का सालन था वो मैंने ऊपर फ्रीज कर दिया है, और हमारी एमपी के पत्ते बर्फ ज़्यादा जमी हुई थी ना, आपको आपने कल मेरे हाल में देखा होगा, ऊपर से सारी गिर चुकी है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, तो जैसे ही फ्रिज बंद करो एक मिनट में बर्फ़ सारी घुल जाती है, तो वो फिर सारी नीचे जम जाती है। अब इसको इंशाल्लाह मैं रात को या कल धोऊंगी फ्रिज को, सारा पिघला हुआ जो पानी है वो बर्फ़ बनी है नीचे, ढेर ये देखे ढेर लग गया ये। जी जी बिल्कुल, बहुत अब ये सारी खाने मरी लगी हुई है हमारी फ्रिज में माशाल्लाह। अल्ताफ भाई उधर मरी गई, हमारे घर में मरी होगी। हाँ जी, रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतने सारे बर्तन सारे मेरी दोस्त ने धो के दिए फिर मुझे, तो अल्लाह उनका भला करे, शुक्र है। व्यूअर्स अभी मैं नाश्ते की तैयारी करनी है। और हाँ जी एक और बात, बच्चे दरवाज़ा बंद कर देते बार बार खोल देते हैं, तो मैंने आपसे ये भी बात करनी थी, जो दो कमरे होते हैं अकबर भाई और अल्ताफ भाई की फैमिली को हमने कभी भी नहीं जाने देना था, एक कमरे में पूरा नहीं था आना, और जो बाहर चिरपाइयाँ बिछाते हैं हमारा स्टैंड वाला पंखा नहीं है वो जला हुआ है, तो इस वजह से मैंने उनको कहा नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो हम मिलजुल के बैठेंगे, बातें हैं और मज़ीद ज़्यादा करेंगे। तो मेरी दोस्त ने सारे बर्तन मुझे धो के दिए, मैंने उनको कॉल करके बुलाया तो वो आएंगे, तो फिर उन्होंने सारे ये देखे ना इतने सारे बर्तन सारे उन्होंने धो के दिए, इतने सारे बर्तन रात को मेरी दोस्त। तो हालांकि वो बेचारी थकी थी अपने घर का काम करने के, मैंने फ़ोन किया मैंने कहा क्या कर रही हैं, कह रही है भाई मैं अभी हांडी रोटी का बंदोबस्त करने लगी, तुम्हारे भाई के ही निकले हुए तो हांडी रोटी बनानी है, उनके मियाँ हमारे घर ही बैठे हुए यहीं, जावेद भाई यहीं पे बैठे हुए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कंगिया शंगिया हो रही है, ये पोनी बांधो और मैं किधर पोनी किधर पोनी बांधे, आपके बाल कितने अच्छे हैं जो पोनी बांधे हैं जी। जा रहा आप ही को आ जाओ, जा रहा आप ही, अब आपकी कंगी करो। ओह डारी काफी है वो बेचारी उठ गई भाई मुझे मार पीट। अभी आ गई है मेरी पोनी हमारी आयत रानी। ओ तेरी गैल। ओहो हो दोनों की लड़ाई शुरू हो गई है, जाओ बाबा से पोनी ले, क्यों तेरी मेरी पोनी करे। क्या दूं? पानी 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 इसको पानी दो जी, आयत को क्या दूं? आयत को पानी दे दो, वो बैठ गई है बैठ गई है, सोनी बैठ गई है, वो बैठ गई है, आप ही बैठ गई है। आप दोनों को छोड़े मेरी बात सुने, आप दोनों को छोड़े मेरी कर दे, क्या 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 दसिया फिर मैं समझ नहीं आई, मैं आवाजें देती रहती हूँ मेरी आवाज ही नहीं सुनती। क्या 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 फिर
अच्छा जी मैं इसको पोनी देता हूँ। अच्छा इनकी दूसरी मामा लेके आऊँ? हाँ जी। अरे कसम अल्लाह नहीं, नहीं फोन चलिए आपको नहीं चाहिए ना, इन दोनों को चाहिए। बेन बचिया तुझे कोई भी नहीं देर लगा, ये लो मामा को दे दो। अच्छा ये बिगड़ गई है, बिगड़ गई है दो पोनिया तू। मैंने पूरा छापा ही पकड़ा दिया है। लो देखो मेरी छोनी बन गई, बाबा को छोनी बाबा को दिखा के। अब इससे पूछता हूँ, छोनी न्यू मामा लेनी है? छोनी आप कंघी देखे ना, माशाल्लाह क्या बात है। छोनी आयत आयत आपने न्यू मामा लेनी है? नहीं लेनी? आयत ने भी क्या दिया? नहीं। हाँ जी चले आप इनकी कंघियाँ छंगिया करें, तैयार करें। और तैयार किस खुशी में होए जा रहा है आज? किसी खुशी में भी नहीं। ये माशाल्लाह जी, ये किसने की है? आयको आयको मामा ने की है। आयत को आयको आयको आप ही बोलो, आयत आप ही आयको। उसको पोनी नहीं पसंद आ रही, रो रही है। अब कौन सी मैं पोनी करूँ तो कौन सी ना करूँ? वो कह रही है जिस तरह उसके बाल खड़े किए हैं ना, मैं इस तरह मेरे भी खड़े करें। हाँ जी जी प्यारे व्यूअर्स, जो हमारे मेहमान हमारे लिए गिफ्ट लेके आए वो अभी तक हमने पट के भी नहीं थका। तो हम सो गए थे रात को, तो सुबह अभी काम ख़त्म किए तो बर्तन समेटे सारे, ये डब्बों वाले डब्बों में डाले, प्लेटें थी शॉपरों में डाली। तो इतने जल्दी माशाल्लाह से काम ख़त्म हो गया, तो अब वो बर्तन रख दिए हैं वो ऊपर सारे बर्तन हैं। जो भी नीचे ऊपर सारे लगा दिए हैं बर्तन ना। हाँ जी जो भी नीचे बर्तन होते हैं ना वो फिर यूज़ होते हैं, तो यूज़ नहीं होते, यूज़ ही होते हैं। वो अकल उसने उठाया था गिलास, वो एक डब्बे वाला गिलास, अब इसने आयत नहीं तोड़ा तो अब पांच है। हाँ जी, और जो जग में पानी डला था वो मुल्तान ने मोबाइल में डाल दिया, पानी गिरा मोबाइल नीचे रख के ऊपर सारा पानी गिरा दिया। आपने देखा नहीं ना अपना मोबाइल हुआ था तक, वो गरीब इतनी मुश्किल से चलता है उसको भी आपने खराब कर दिया। प्यो तीरा लग है। क्या बात है, प्यो तीरा लग है। आयत को सख्त गुस्सा चढ़ा हुआ है, उसने मार दिया जारा की कोनी पे गिलास। ये कह रही है मेरी खजूर वाली पोनी करें, ऐसा बाल खड़े कर दें। बाल किसे खड़े हो, इतने बड़े उसके बाल हैं। जेल लगा देना यारा, तो सर जेल आंदी है? जेल आंदी? जेल तो कोई नहीं आंदी। छोड़े इस तरह करें, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक डंडा पकड़े छोटा सा, उसके साथ वो सर में रखे ना, ऐसे उसके बाल खड़े कर दें। अब मैं दिखाने दे हमारे मेहमान हमारे लिए क्या लेके आए थे, वो दिखाने दे। इसमें तो रोना ही है ना, और क्या करना है। हाँ जी चले, आज आपसे मेहमानों का लाया हुआ गिफ्ट शेयर करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उन्होंने हमारी बहुत इज्जत की, हमारी क्या वो देखे अल्लाह हुए लोगों की कितनी इज्जत कर रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उनको खुश रखे हमेशा। अल्लाह उनको प्यारा सा बेटा दे, आप ये मैंने ज़रूर दुआ करना। मुंता आपने केक खाना है? जल्दी करें ना। आपको केक की लुक चेक कराते कैसी है? अब बेटा ये खाली डब्बा है, इसके अंदर शिमला का चॉकलेट वाली कवर शिमला क्या है? इसके अंदर क्या है? आपको क्या समझ आया? ये बेकरी का नाम है, ये आर्ले स्ट्रीट में बेकरी है, कोने पे। मेरे ख्याल से उधर से लेके आए हैं। इसमें शिमला मिर्चें डली हुई है सारी। चलो ये सब्जी वाले को वापस करके आओ, शिमला मिर्च। हाँ भाई साहब, ये हमारे लिए क्या नाम है, अकबर भाई हमारे लिए शिमला मिर्च लेके आए हैं। ठीक है, और हकीकत बात है व्यूअर्स, बहुत बड़े माशाल्लाह दिल के मालिक हैं अकबर भाई, बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। ऐसा इंसान हमने हकीकत बात खुश रखे, और माशाल्लाह उनकी बेगम और बेटी भतीजी बहुत अच्छी। इस तरह लग रहा था पहले भी हम लोग मिल चुके हैं, मुलाकात हुई है। शायद हो सकता है वैसे मुलाकात तो नहीं हुई,
लेकिन ना देखे देखे से लगते हैं ना कि नहीं नहीं राशिद उनका प्यार इतना ज्यादा था, इसका लग रहा था हम उनसे पहले भी मिले हुए हैं। भाई जरा सी झिझक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे। और अल्ताफ भाई के लिए तो बिग रिस्पेक्ट जो हमारे घर में आए, इतनी मैं कहता हूँ इतनी कसम से गली में जब मैं निकला हूँ सामने आगे पीछे कहते हैं क्या बात है, इतने दूर से आपके मेहमान आए। व्यूअर्स हमारे अपने गाड़ियों वाले ये पीछे आते हैं, राशिद के अपने ये पीछे हमारे जाने में रहते हैं, उन रिश्तेदार ही हैं एक किस्म के, उधर वो लोग आते हैं गाड़ियों में, उधर से होकर चले जाते हैं हमारे घर में। आज तक नहीं आए, हमें पिंडी में 11 साल हो गए, आज तक नहीं है वो आए। तो वो कह रहे पहली दफ़ा आपके घर को गाड़ियों वाला हमने देखा, नहीं तो कोई भी नहीं, कितनी हमारी इज्जत है। ये नहीं जिसके पास गाड़ी हो इज्जत है, मगर बड़े लोग हमारे घर पे आए। माशाल्लाह से अल्लाह ताला इन दोनों फैमिलियों को खुश रखे जिन्होंने हमारी बहुत इज्जत बनाई है। मेरी तो दिल की गहराइयों से दुआएं, मेरी बच्चियां या आयत तो सुबह से कह रही है मामा आप ही क्यों गई है, मैंने आप ही के पास जाना है, उनकी बेटी के साथ इतना प्यार हो गया था आयत का, और वो भी आयत के साथ बहुत ज्यादा। और आप बता रही थी कि भाई खुद भी खा रहे थे, बिठा के उनकी बेटी ने इसको खाना खिलाया आयत को। उस टाइम हमने वीडियो नहीं बनाई, तो जो भाई हैं अकबर भाई वो जो स्वीट डिश थी इसको इसके मुंह में चम्मच डाल रहे थे। कौन इतना किसी की बच्चे के साथ करता है, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, जितनी तारीफ करें कम है। तो अभी केक की लुक चेक कराते, हमें भी बड़े बेताबी से इंतज़ार है केक देखें किस तरह का है, भी ऊपर से लुक कैसी है, चॉकलेट वाला है कौन सा है, चॉकलेट वाला मुझे नहीं पसंद, देखें उनको मेरी पसंद के बारे में पता ही नहीं पता। चले अब जो भी है पसंद ना पसंद की बात ही नहीं है, लेकिन दिल की बात है माशाल्लाह, जबरदस्त क्या बात है। और ये कसम से हमें दुख रहा है कि कल हमें याद नहीं रहा, वो सब बैठे हुए थे हमें याद ही नहीं रहा। मुंतहा के काम चेक करे अभी, खोलने से पहले तत्ते तावले मुंतहा ने हाथ मार, मऊ और पहले ही तत्ते तावले, मऊ और तत्ते तावले मार ना माराती काल में। जी जी मैं रोके आसी, और मुझे इतना ज्यादा दुख है उन सब के आगे केक नहीं रखा, याद ही नहीं, याद ही नहीं, याद ही नहीं। माशाल्लाह इतनी ज्यादा खुशी से खुशी में याद ही नहीं केक सब के आगे रखा, खुशी में याद नहीं, खुशी में। अच्छा खुशी में वो उसके ऊपर कूलर के ऊपर वो पड़ी है, छुरी पड़ी हुई है, वो चाह के ले आए। किसकी बर्थडे है? माशाल्लाह जी ये हमारे केक की लुक चेक करें। किसकी बर्थडे है? वो प्यार माशाल्लाह से मैं क्रीम केक खाती, चॉकलेट केक खाती, वो बहुत कम खाती। मामा जी आज क्या, आज किसकी बर्थडे है? हम सब की बर्थडे है पुत्र, हम सब की बर्थडे है। ये जब कोई केक लेके आता है ना वो फिर सब की बर्थडे होती है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा केक है, बहुत प्यारा। जी जी बहुत प्यारा, अकबर भाई की और उनकी फैमिली की तरह। हाँ जी आपने चेक किया केक कैसा था? को मजेदार। अच्छा बोलो मजेदार का, छोनी करो ऐसा केक कैसा था? ऐसा एका। चलो हैप्पी बर्थडे बोलो। मान स्पून लेके अब्दुर्रहमान प्लेट है, तालियां मार के कांटे वाली स्पून ले, तालियां मार के छोनी चलो कहो हैप्पी बर्थडे। मक्खियों को ऐसा पता लग जाता है कोई मीठी चीज आ गई है, चलो नसों पार्टी मनाए, ये हमसे पहले पार्टियां मनाते हैं। अच्छा कहा हुआ आप क्या कह रही थी? हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ अच्छा आपको स्पून मिलेंगी, इधर दे दो इसको, पहले स्पून दे दो इसको, स्पून दे दो। खुशबू आती है वो फिर फटाफट भागती है। ये लो मुंतहा। अच्छा जैसे आप लोग भाग के आ गए हो, ये मक्खी, ये इसके कपड़ों के साथ स्पून है, ये मेरी मुंतहा के कपड़ों के साथ, ये मेरी हूं तुसा कुवारे रहो। अच्छा जे कुवारे हैं। अच्छा ये पकड़े प्लेटें भी लेके आओ ना, ये फिर मैं प्लेटें भी लेके आऊं। शोनी ये क्या था? हैप्पी बर्थडे कौन? हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे किसकी? हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। किसकी हैप्पी बर्थडे टू यू? हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी नोजी पे केक लगा हुआ है। चलें जी अब हम केक खाते हैं, काटते हैं। तो फिर काट लिया है मैंने, काट लिया है जी। ठीक है जी, सबसे पहले इस पांड को दे दूं ताकि ये हमारा मजा खराब ना करे। मजा दुबाला कर देगी। बिस्मिल्लाह।
आज तुमने केक फिर ले लिया, कौन सी पांच को दूंगी? तो अब केक खाती हैं तो फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं बकाया। छोटी पंडी माशाल्लाह जी माशाल्लाह सबको केक मिल चुका है। कैसा है केक? अच्छा मजेदार। बोलो जजाक अल्लाह अंकल आंटी। जजाक अल्लाह अंकल आंटी। आपको कैसा है केक? केक कैसा है? को मजेदार, मजेदार है, जबरदस्त। हाँ जी मजेदार है। अच्छा इसको कांटे से ना खाना आ रहा है। हाँ जी माशाल्लाह ये बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची हमारी। और सुबह जो इसने आपके साथ सपूने रखी हैं काम करवाया उसमें मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे साथ मेरी शहजादी तो क्या नाम। अच्छा रात को ना अलीशा और सोई नहीं थी। जी जी मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं सो रही, कह रही ये ना हम लोग सो जाए वो अंकल जो केक लेके आए आप लोग खा जाए। मैंने कहा हम लोग नहीं पुत्र खाते आप लोगों के बगैर, आप साथ ही आएंगे, ये इसने बोला था। बेटा कितनी बुरी बात है, आपने ये सोचा हमने आपके बगैर कभी कोई चीज खाई है? नहीं। तो फिर आपने ऐसा तो नहीं बोलना था ना, ये केक ना ठंडा हो गया है तो उस टाइम रात को हम कितने फुल थे तो इसलिए फिर हम रात को हमने नहीं खाया। बहुत ज्यादा फुल थे और सुबह नाश्ते के टाइम भी फिर मैं काटने लगी, इसके पापा का नाश्ते के टाइम ना काटो बच्चे नाश्ता नहीं करेंगे, फिर इसीलिए अभी काटे। आप सबको व्यूअर्स हमारा केक कैसा लगा, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे हमेशा। तो जो नए हमारे व्यूअर्स आए बिग रिस्पेक्ट उनके लिए, बहुत सारी दुआएं उनके लिए, जजाक अल्लाह। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स है उनके लिए भी बिग रिस्पेक्ट, बहुत सारी दुआएं, और हमें भी दुआओं में याद रखना इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।